आज का दिन बेहद खास है इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने जीवन भर समाज को एक नई दिशा देने में अथक परिश्रम किया। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान व इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा जैसे क्षेत्रों में दिए जाते हैं। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण सम्मान दिया जाता है, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जाता है और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राजीव महर्षि भारत के पूर्व महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, आज उन्हें भी पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इस अवसर पर मौजूद हैं। गुलाम नबी आजाद राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता, उन्हें भी आज सम्मानित किया जाएगा। आज जो दो पद्म विभूषण दिए जाएंगे, जनरल बिपिन रावत के अलावा श्री राधेश्याम खेमका को भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जाएगा, जो गीता प्रेस गोरखपुर के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और उन्होंने अपने असाधारण योगदान से भारतीय धार्मिक ग्रंथों को एक नए सिरे से लोगों तक पहुंचाने में अमिट छाप छोड़ी। आप देख पा रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट के कर्ता धर्ता भी इस समय मौजूद हैं, आज उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। साइरस सोली पूनावाला, राष्ट्रपति भवन का ये दरबार हॉल आज उन नामचीन हस्तियों से खचाखच भरा हुआ है जिन्होंने समाज को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का आगमन दरबार हॉल में होता हुआ, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अभिवादन किया, उनका स्वागत किया। पद्म पुरस्कारों के इतिहास की बात करें तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1978, 1979, 1993 से लेकर 1997 के थोड़े अंतराल तक ये पुरस्कार बंद रहे, लेकिन उसके बाद से हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है और बहुत ही उत्साह और उमंग का दिन, देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति से पुरस्कार प्रदान करना अपने आप में गौरव की बात। और जिन हस्तियों को आज पुरस्कार दिया जा रहा है उनके सगे संबंधी भी इस अवसर पर मौजूद, देश की प्रथम महिला का आगमन इस समय दरबार भवन में होता हुआ। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। सिनेमा हो या कला, खेल हो या फिर राजनीति, हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा, अपनी काबिलियत और अपनी दूरदर्शिता से इन लोगों ने एक मिसाल कायम की है। संकट के इस दौर में जब पूरी दुनिया महामारी की चुनौती से लड़ रही है तो इनके अनूठे प्रयासों ने लोगों को जीने का हौसला दिया, उम्मीद बंधाई और उससे भी बढ़कर अपने अपने लक्ष्यों को हासिल करने की तरफ कदम बढ़ाने का उत्साह भी लोगों के जीवन में भरा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कुछ ही क्षणों में उपस्थित होंगे और उसके बाद ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
प्रतिभ महोदय, आपकी आज्ञा हो तो आज के पद्म पुरस्कार 2022 के अलंकरण समारोह की कार्यवाही प्रारंभ करने की। पद्म विभूषण श्री राधेश्याम खेमका मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा उनके पुत्र श्री कृष्ण कुमार खेमका। जनरल बिपिन रावत PVSM UVSM AVSM USM SM VSM मरणोपरांत सिविल सेवा, उनकी पुत्रियां श्रीमती कृतिका रावत और सुश्री तारिणी रावत। पद्म भूषण श्री गुलाम नबी आजाद लोक कार्य। श्रीमती कुरमीत बावा मरणोपरांत कला लोक गायन, उनकी पुत्री सुश्री ग्लोरी बावा। श्री एन चंद्रशेखरन व्यापार एवं उद्योग। श्री देवेंद्र झाझड़िया खेल जैवलिन। श्री राशिद खान कला। श्री राजीव महर्षि सिविल सेवा।
डॉक्टर साइरस सोली पूनावाला व्यापार एवं उद्योग, श्री सच्चिदानंद स्वामी साहित्य एवं शिक्षा, पद्मश्री श्री प्रहलाद राय अग्रवाला व्यापार एवं उद्योग, प्रोफेसर नजमा अख्तर साहित्य एवं शिक्षा, डॉक्टर सुब्बन अयप्पन विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, श्री सिरपी बालसुब्रमण्यम साहित्य एवं शिक्षा, श्रीमद बाबा बलिया समाज सेवा,
डॉक्टर माधुरी बड़थवाल कला लोक गायन। डॉक्टर हिम्मत राव सलुबा भावस्कर चिकित्सा। पंडित डॉक्टर एस बालेश भजंत्री कला शहनाई वादन। आचार्य श्री चंदना जी समाज सेवा। श्री फैसल अली दार खेल। सरदार जगदीश सिंह दर्दी व्यापार एवं उद्योग। प्रोफेसर डॉक्टर आदित्य प्रसाद दास विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। श्री मालजी भाई देवजी भाई देसाई लोक कार्य।
डॉक्टर श्यामा मणि देवी कला गायन। श्री खलील धन तेजवी मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा, उनकी पुत्री सुश्री रेशमा मकरानी। डॉक्टर विजय कुमार विनायक डोंगरे, चिकित्सा डर्मेटोलॉजी। श्री चंद्रप्रकाश द्विवेदी कला सिनेमा। श्री ओम प्रकाश गांधी समाज सेवा। श्री नरसिंह प्रसाद गुरु साहित्य एवं शिक्षा। प्रोफेसर सुषमा आय पशुपालन। सुश्री तारा जौहर साहित्य एवं शिक्षा।
सुश्री वंदना कटारिया, खेल हॉकी। सुश्री अवनी लेखरा, खेल शूटिंग। श्री दर्शनम मोगुलिया, कला लोक संगीत। डॉक्टर गुरुप्रसाद महापात्रा, मरणोपरांत सिविल सेवा, उनकी पत्नी श्रीमती अंजलि महापात्रा। श्रीमती रा मुत्तुकमन कन्नमाल, कला नृत्य। श्री एकेसी नटराजन, कला संगीत।
श्री राम सहाय पांडे कला लोक नृत्य। डॉक्टर अनिल कुमार राजवंशी, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। श्री शीश राम, चित्रकला। डॉक्टर सुनकर वेंकटा आदि नारायण राव, चिकित्सा ऑर्थोपेडिक्स। डॉक्टर गरी की पार्टी, वी बी नरसिम्हा राव, साहित्य एवं शिक्षा। श्री गोसाविडू शेख हसन साहब, मरणोपरांत कला संगीत, उनके पौत्र शेख हेलमशुद्दीन। श्री विद्यानंद सराय, साहित्य एवं शिक्षा।
श्री कालीपद सरेन साहित्य एवं शिक्षा। प्रोफेसर दिलीप टी शहानी साहित्य एवं शिक्षा। श्री ब्रह्मानंद सगुन कामत शंख वालकर खेल फुटबॉल। पंडित रामदयाल शर्मा कला थिएटर। प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री साहित्य एवं शिक्षा। डॉक्टर सिद्धलिंगया मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा, उनकी पुत्री डॉक्टर मानसा सिद्धलिंगया। श्री कौनसम इबोमचा सिंह शिल्पकला। श्री प्रेम सिंह समाज सेवा।
श्री सेठपाल सिंह कृषि। डॉक्टर भीमसेन सिंगल चिकित्सा न्यूरोलॉजी। स्वामी शिवानंद योग। डॉक्टर अजय कुमार सोनकर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। श्रीमती अजीता श्रीवास्तव कला लोक गायन। प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर साहित्य एवं शिक्षा। डॉक्टर प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी चिकित्सा नेफ्रोलॉजी।
श्री काजी सिंह विद्यार्थी कला संगीत। श्रीमती दुर्गाबाई व्याम चित्रकला। डॉक्टर जयंत कुमार मगनलाल व्यास विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। प्रोफेसर सुश्री बदपलीन वॉर साहित्य एवं शिक्षा। राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो अलंकरण समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। धन्यवाद महोदय। आज राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में 2022 के नागरिक अलंकरण समारोह के पहले चरण में 64 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अब दरबार हॉल से प्रस्थान करते हुए तमाम चुनौतियों को पार कर अपने अपने क्षेत्रों में सफलता की बुलंदियों को छूने वाले ये पद्म पुरस्कार विजेता समाज को कुछ बेहतर और अविश्वसनीय करने के लिए उत्साहित करते रहेंगे। आप सबका आभार, नमस्कार।
देख रहे हैं डीडी नेशनल इंडिया का अपना चैनल।